फुलचंद जरा दम लगाओ और जोर से। अरे जोर लगाओ फुलचंद, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? अरे जोर से। हुजूर, अगर आप रोज रोज इतनी कड़क मालिश करवाएंगे तो आपके बाल जल्दी गिर जाएंगे, आप गंजे हो जाएंगे हुजूर उस तरह खोल के। अरे हम गंजे हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन अगर हमने इस तरह मालिश नहीं करवाई तो हम पागल हो जाएंगे, और पागल होकर अपने महल की दीवारों से सर टकराएंगे। हम अपना सर टकराएं, उससे बेहतर होगा कि हम गंजे हो जाएं। ये बात भी सही है हुजूर, वैसे भी गंजे सर की मालिश बड़े आराम से होती है हुजूर। ये हमारी जरा जूती उठा के देंगे आप? क्यों हुजूर? ये हम आपके सर पे मारेंगे ताकि आप गंजे हो जाएं, और फिर गंजे होने के बाद आराम से अपने सर की मालिश कीजिएगा, आराम से। माफी चाहूंगा हुजूर, जुबान तनिक फिसल गई थी। अरे गंजे हो आपके दुश्मन? कीजिए कीजिए। जापना, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हुजूर हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुके भूलचंद रुके, बहुत जल्द हमारा सर बहुत जोर से दर्द करने वाला है, हमें मालिश की जरूरत पड़ेगी, आप रुकिए। रानी साहिबा, आप जरा हमें बता सकती हैं कि आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं हो तो क्या नाचे हम? सुन तो नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। हमने बड़े प्यार से आपको कहा था, जहाँ पना भूटान से हमारे लिए सोने के काम वाली जरी वाली साड़ी मंगा कर देना, लेकिन नहीं, आपने तो नहीं मंगा कर दी। हम खुद जाकर लाने वाले थे रानी साहिबा, इसलिए रह गई होगी, हम अभी निकलते अभी जाकर लाते। कोई जरूरत नहीं है अभी जापना, हमारी सहेली संबलपुर की रानी कामिनी ने वो साड़ी पहन ली, सबने वो साड़ी देख ली, अब अगर हम वो साड़ी पहनेंगे तो सब हम पर हंसेंगे कि हम कामिनी की नकल कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है लाने की। समझ गए रानी साहिबा, अब आप नहीं चाहती कि हम आपके लिए वो साड़ी लाएं। आप तो हमें ही नहीं चाहते जापना, इसलिए साड़ी क्यों लाएंगे हमारे लिए? ऐसी बात नहीं है रानी साहिबा, आप हम जाते हैं, हम साड़ी लेकर आएंगे आपके लिए। यही तो आप चाहते हो कि हम वो साड़ी पहने और सब हम पर हंसे, हमारा मजाक उड़ाएं। रानी साहिबा, आप एक बार सोच समझ के हमें बता दीजिए, आपके लिए वो साड़ी हमें लानी है या नहीं लानी है, क्या चाहती हैं आप? हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हमें चाहते तो वो साड़ी हमारी होती, हमने वो साड़ी पहले पहनी होती। आप सुन तो नहीं रहे ना? हुजूर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। रानी साहिबा, गलती हमारी है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे आप हमें माफ कर दीजिए, बात तो हमसे करना ही नहीं चाहते, अगर ऐसी बात है तो हम छोड़कर चले जाते ना। रानी साहिबा बस, अब हमारे सर में दर्द होने लगा है, हमें बख्श दीजिए, बस हमें बख्श दीजिए। आपके सर में दर्द? हाँ। तो जब सर दर्द खत्म हो जाए तो आपसे बात करेंगे, ठीक है? हुजूर हम समझ गए, आपको दोबारा कड़क मालिश की जरूरत है। हुजूर अभी लीजिए आप। हुजूर शिकार करना पड़ेगा रानी साहिबा का। हाँ, अरे नहीं रानी साहिबा का नहीं, उनका शिकार करने के बारे में हम सोचेंगे भी तो हम खुद शिकार हो जाएंगे उनके हाथों। हम तो सोच रहे हैं किसी जंगल में जाके 2-3 दिन शिकार करके आते हैं, थोड़ी आबो हवा बदलेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। हुजूर बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, आप मालिश कीजिए ना। 2 दिन हो गए, 2 दिन से शिकार पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। रानी साहिबा लीजिए, लौट आए हम, बहुत खुशी की बात है ना? अरे पति 2 दिन से गायब है, पूछा भी नहीं कि बीवी मर गई है या जिंदा है। रानी साहिबा हम 2 दिन के बाद लौटे हैं, फिर भी आप ताने ही मार रही। तो अब हमारी बातें आपको ताने लगने लग गई? हाँ, साफ साफ कह क्यों नहीं देते जापना, आप हमसे तंग आ चुके हैं। हम कह तो दें लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके बाद आप हमारा ही जीना हराम कर देंगी। क्या? हमारा वो मतलब नहीं था रानी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, इसका मतलब हम पागल हैं?
आपकी बातें समझ ही नहीं पा रहे, पागल खाने भेज दीजिए हमें। हम तो भेज दे रानी साहिबा, लेकिन उनके भी कुछ कायदे कानून होंगे, किसको अंदर ले किसको ना ले। आखिर दिल की बात जुबां पर आई गई ना। जा अपना की जय हो। बीरबल हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं, हमले की आशंका है, किलों का मुआयना करने जाना है, हम चलते हैं आपके साथ चलते हैं। लेकिन नहीं 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 बीरबल, ये मत समझिए कि हम दो दिन बाद लौटे तो हम थके हुए होंगे। थके हुए तो क्या हुआ, हम बादशाह हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हमें पूरी करनी होगी। और रानी साहिबा हम बहुत भूखे हैं, आप हमारे खाने का कुछ इंतजाम करेंगी? अरे दो जावना, आपको कोई गलत फहमी हुई, हम किलो के बारे में आपसे बात करने नहीं आए थे। हम जानते हैं बीरबल है? हम रानी साहिबा से तंग आ गए, इस महल में और रुके तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन जापना अभी अभी आप दो दिन बाद लौटे। वही तो हम सोच रहे हैं कि हम दो दिन बाद लौटे क्यों, हमें 10 दिन बाद लौटना चाहिए था। हम फिर से जाते हैं और इस बार हम बहुत दिनों के लिए जाएंगे, शायद हम लौटे ही ना, कुछ कह नहीं सकते। अरे जापना, हम इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं? सलीम के अब्बू समझते क्या अपने आप को कि वो नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे? हम बिल्कुल खुश रहेंगे, हमारे दोनों शेर हमारे साथ है, सलीम और वासु। सलीम, अरे क्या वासु, अरे सलीम आराम से, अरे भाई आराम से, ओहो आराम से रखो, बहुत महंगा सामान है, महंगी महंगी साड़ियां और जेवर है। शाही खून है हम। अरे सलीम भाई साहब, आप शाही खून नहीं रहे, अब तो हम दोनों बकायदा शाही गधे बन गए हैं। वो कैसे? अरे पिछले 3 दिनों से पूपी के साथ जाते हैं, उनका खरीदा हुआ सामान अपने पीठ पर गधों की तरह लाद कर आते हैं, तो हुए ना हम शाही गधे। हाँ अम्मी जान, अब बस बहुत हो गया, अब हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। पिछले 3 दिनों से, 3 दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अब हमेशा हमें अपने काम में लगाए रखती हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, ये क्या कह रहा है तू? तुम्हारे अब्बू को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, एक तुम दोनों ही तो हो जो हमारे सहारे हो। अरे पूपी, अगर हमने आपको और सहारा दिया तो हम खुद बेसहारा हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा वासु? मतलब पूपी की हमारा सारा शरीर दुख रहा है, हाँ, और तो और बुखार होने की भी संभावना लग रही है, लगता है अब तो 2-4 महीने आराम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं वासु, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ ना पूरा वक्त रहेंगे, अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। हम नहीं, ये नहीं हो सकता सलीम भाई साहब, ऐसे तो हम मर जाएंगे। क्या? नहीं 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 पूपी, मेरा कहने का मतलब था कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। पूपी आप तो सलीम भाई साहब का ध्यान रखिए। हाँ वैसे भी बेचारे सलीम भाई साहब मुझसे कह रहे थे कि आजकल आप उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हैं। हाँ और तो पूपी आप मेरे हिस्से का भी ना प्यार सलीम भाई साहब को दे दीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ वासु, अरे क्या कह रहे वासु, वासु, अरे सलीम बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? अरे हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं बेटा, हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे हर वक्त। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। हमारा प्यार तुम्हें जुल्म लगता है बेटा? जिस बात का हमें डर था वो ही हो गया, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे नहीं नहीं अम्मी जान, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो ये कह रहे थे कि आपका साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या है कि आज हमें एक बहुत बड़े कुश्ती प्रतियोगिता में जाना है मुकाबला करने के लिए, तो आज हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ कुश्ती देखेंगे? अरे सलीम भाई साहब क्या हुआ, इतने गुस्से में वर्जिश क्यों कर रहे हो?
शुक्र मना वासु कि हम सिर्फ वर्जिश कर रहे हैं, मन तो हमारा कर रहा है कि हम किसी का गला दबा दे। मेरा गला को दबा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे सलीम भाई साहब माफ कर दीजिए मुझे, मैं डर गया था आपके फौलादी डोलों से सलीम भाई साहब, इसलिए मैंने अपने नाजुक हाथ उठा दिया आप पर। अरे सलीम भाई साहब आप मुझे ये तो बताइए कि आप इतने गुस्से में क्यों थे? क्योंकि अम्मी जान हमारे साथ हमारा कुश्ती का मुकाबला देखने गई थी। हमारी अम्मी जान को हमारे साथ देख कर सब लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। सलीम भाई साहब ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर आपकी शक्ल ही उल्लू जैसी है, इसमें आपकी क्या गलती? ये तो ऊपर वाले की गलती है। हमारी शक्ल की वजह से हमारा मजाक नहीं उड़ा है। तो फिर अकल की वजह से उड़ाया होगा, अब आपके पास अकल नहीं है इसमें आपकी क्या गलती? ये तो ऊपर वाले की गलती है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त तू हमारा मजाक उड़ा रहा है? नहीं सलीम भाई साहब, अरे आप मेरी छोड़िए, आप तो ये बताइए कि उन लोगों ने आपका मजाक क्यों उड़ाया? हमारी अम्मी जान को हमारे साथ देखकर सब लोगों ने कहा कि हम दूध पीते बच्चे हैं, इसलिए अपनी अम्मी को साथ में लेके आया है। और तो और जब हमारी कुश्ती शुरू होने वाली थी तो अम्मी जान ने हमें कुश्ती करने से मना कर दिया। कहने लगी कि सामने वाला पहलवान बहुत तगड़ा है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। और ये सब देख के सब लोग हम पे बहुत हंसे। ओहो सलीम भाई साहब, तो अब आप क्या करोगे? करेंगे नहीं, हमने कर दिया है। हमने अम्मी जान को कह दिया है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपने हिसाब से जीने दो, शाही खून है हम। अरे लेकिन सलीम भाई साहब, फूफी को तो अकेले रहने की आदत ही नहीं है, अब किसके साथ है वो?